बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, आई हो क्या बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज मैं आपके साथ क्या रेसिपी लेके आई हूँ। तो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक शेयर कर दें, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो ये मैंने 3 पोटैटो लिए हैं, इसको मैंने छील लिया है, अब इसको हम ग्रेट करेंगे। है तो ये रेसिपी झटपट तैयार होने वाली और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार। तो अगर आपको मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे उसका कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दिया करें। पोटैटो हमारे ग्रेट हो चुके हैं, अब इसको वॉश करेंगे। अब इसको अच्छी तरह पानी निकाल के इसका निचोड़ कर इसको इसमें डालेंगे, ताकि जो बचा पानी है वो निकल जाए। इस तरह हाथों के साथ दबा दबा के इस तरह तो पानी निकाल लें। चलिए 1 टेबलस्पून मैं इसमें कुटी हुई ये मिर्ची डालूंगी, ये 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का, नमक हम इसमें बाद में डालेंगे क्योंकि नमक से फिर आलुओं ने पानी जल्दी छोड़ देना है। ये आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान रेसिपी है और झटपट रेडी होने वाली है। आप ये बच्चों को भी लंच में बना के दें। इसमें 2 चम्मच और कॉर्नफ्लोर के ऐड करूँगी, आप चाहें तो मैदा भी इसमें डाल सकते हैं। ये नमक 1/2 टीस्पून, मुझे ये हाथों से ही करना पड़ेगा क्योंकि वैसे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। बस जैसे ये जल्दी से मिक्स हो इसे फौरन बना लिया। पैन मेरा गर्म हो चुका है, फ्लेम मैंने पहले ही ऑन कर दिया था। हाँ जी, ये देखें रेडी हो गया, अब शुरू करते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, 1/2 इसमें मैं ये बटर और 2 टेबल स्पून है ऑयल ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो बटर के साथ भी बना सकते हैं। ये अब मैं सारा पैन में मिला दूंगी एक रोटी के शेप में। और फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम हीट पे रखना है ताकि ये बिल्कुल आराम आराम से ना नीचे से पक जाए। बस रोटी की शेप में डाल देना, 2 मिनट के बाद इसकी देखेंगे साइड चेंज करके, लाइट गोल्डन होगा तो इसका फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड इसकी मैंने चेंज कर ली है, अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह इसका कलर आना चाहिए।
हाँ जी, इसको आपने बना के ज़रूर ट्राई करना है और इसका मुझे फीडबैक लाजमी देना है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।